अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज वर्ल्ड पाकिस्तान। तो आज ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं जी। तो उससे पहले ये कि मैं आपको बोलना चाहूँगा, मतलब डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस बर्ड ने कितने बच्चे दे दिए हैं, कितने ले कर दिए हैं, कितने अंडे आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन के मेरे पास टोटल जो अभी पेयर मौजूद हैं वो है 4। इसकी जो फीमेल थी, मीटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, हांडी में बैठी रही, उसको चर्बी लग गई। तो उस चर्बी लगने की वजह से मसला ये आया कि उसको अब हमने साइड पर रखा हुआ है, बिकॉज हम उसको पतला कर रहे हैं। अभी ये टाइम लेगी, मतलब मे भी 10-15 दिन ले प्रॉपर सेट होने में, ब्रीड होने में। तो इस पेड़ को अभी हम छोड़ के, हमारे पास 3 ब्रीडर पेड़ मौजूद हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं, यार भाई हमारे बट ब्रीड नहीं करते। तो भाई ब्रीड से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसने मेरे पास 6 महीने या 8 महीने बाद ब्रीड किया था, इसने मेरे पास 3 महीने बाद ब्रीड किया। बेसिकली बर्ड्स खुद ही एडजस्ट होते हैं केज के अंदर। आपका काम क्या होना चाहिए, आप उनको पानी साफ़ सुथरा दो, आप उनको दाना अच्छा दो, आप उनको माहौल अच्छा दो, आप उन्हें सर्दी गर्मी से बचाओ, और उसके बाद एक नर और एक मादी को छोड़ दो। जब आप ये चीज़ें कर दोगे तो आप खुद देखिएगा कि आपके बर्ड्स खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। अब हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते, इन शॉर्ट मैं इनको ये नहीं बोल सकता ब्रीड करो ब्रीड करो, इनको जब दिल करेगा कर लेंगे। तो अब हम आते हैं इस पर, मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये अभी अभी मीटिंग करके फारिग हुआ है इसके साथ, यानी वो बच्चे निकलेंगे और ये अंडे दोबारा ले कर देगी। मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बच्चे इस दो पेयर ने 5 अंडे दिए थे। उस 5 अंडे में से 4 इनफर्टाइल हो गए। एक जो सफ़ेद बच्चा आपको अंदर दिखेगा, मतलब ट्विस्टर ही निकला है एक और मेरे पास, वो इनका अपना है। बाकी जो 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं वो इस पेयर के हैं। ऑलरेडी इस पेयर ने 6 बच्चे निकाल दिए। इसने माशाल्लाह 8 अंडे दिए थे, 8 में से 8 बच्चे बेहतरीन तरीके से निकले। क्योंकि केज में बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो फॉस्टरिंग के लिए मैंने इस पेड़ को यूज़ किया, और इसने उनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पाला। तो पहला केज मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्विस्टर आदि है। सबसे पहली चीज़, आपके बर्ड को ना आपसे डरना नहीं चाहिए, तो ये बड़ी प्यारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये देखें जी, एक ट्विस्टर है माशाल्लाह, ये 2 बच्चे जो कि अभी निकलने में 1 हफ्ता इनको लगेगा, तो ये 1 हफ्ता लेंगे निकलने में, और इंशाल्लाह ये देखें जी लगे हुए, और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये पेयर यहाँ पे लगा हुआ है माशाल्लाह से, इसने कुछ नहीं दिया, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। देखें, इसके साथ लगेगा, टाइम लगेगा इनको। नीचे आते हैं, 2 पेयर मौजूद हैं। इस पेयर ने माशाल्लाह अभी 6 बच्चे निकाले हैं, और निकालते ही इसने जो प्रोग्रेस मुझे दिखाई है मैं आपको दिखा देता हूँ। खूबसूरत तरीन प्रोग्रेस है। मेरा हाथ थोड़ा चला रहा है इधर, ये देखें जी। तो इसने दिए हुए हैं 6 अंडे दिए हमें। ये मेरा वो माशाल्लाह पेयर है जो अंडे बच्चे अच्छे करता है, साथ ही साथ उन्हें पालता भी है। पालने से मुराद है कोई बच्चा फारिग नहीं होता, मरता नहीं। और इसकी वजह सिर्फ ये है सर, एक तो अल्लाह की मेहरबानी, दूसरा ये कि मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ दिन में 2 दफ़ा इनका पानी दाना बदलना पड़ता है। इनको लूसन आपको दिख रहा होगा, लूसन, पालक, हर चीज़, चावल जो मेरे पास अवेलेबल होती है चीज़, मैं इन्हें खिलाता पिलाता हूँ। साइज़ आप देख सकते हैं, किसी भी बर्ड का आपको छोटा नहीं दिखेगा। और इस पर आते हैं माशाल्लाह, ये देखें, एक तो मोबाइल नहीं घुस रहा अंदर। हाँ, इसने मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड किया, और इसने कितने अंडे ले किए मुझे भी नहीं पता। तो हम इसके अभी अंडे देखते हैं। तो जी, इसने जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसने 2 अंडे दिए हुए, और एक ये नीचे छुपा के बैठी हुई है शायद। नहीं, इसने 2 ही अंडे दिए हमें, तो इसको निकाल देते हैं। ये मैं लेके आया था पेयर मादी, इसकी फ़ीमेल भी यहीं पे बड़ी हुई है, इसका मेल भी यहीं पे बड़ा हुआ है। और 3-4 महीने के बाद इन्होंने मुझे एक बहुत बेहतरीन ब्रीड दी है माशाल्लाह, पहली ब्रीड है इनकी। तो जी, ये सूरत हाल चल रही है। काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है, अंडे ना देखो, ये ना करो, वो ना करो, ब्रीड नहीं करते, और पेयर रखो तो कम से कम 10 रखो, कॉलोनियाँ डालो। सर जी, मैं आपको मजाक सेट का भी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। इन सब ने अपग्रेड किया है। इस एक पेयर ने मुझे प्रोग्रेस जो दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक पेयर की प्रोग्रेस है, और इसमें से 4 बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं। मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह बहुत हैं, चाहने वाले, लेने वाले, तो 4 इसमें से जा चुके हैं। लास्ट जो मेरा क्लच निकला था 6 से 8 बच्चों का था,
वो ख़त्म हो चुका है। ये नया क्लच आया है, इसमें आप बच्चे देख सकते हो, 1, 2, 3, इसको छोड़ देते हैं 4, क्योंकि ये एडल्ट मेल है, इसकी फ़ीमेल मैंने वहाँ लगाई हुई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बच्चे उसके अपने, और अगर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और बाकी अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। फिंचेस की अगर प्रोग्रेस देखनी हो, कल एक भाई ने बोला था कि भाई सबसे ज़्यादा बेहतरीन ब्रीड कौन सा परिंदा करता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो बेहतरीन ब्रीड जो करता है वो है फिंचेस। मतलब ये मेरे पास 2-2.5 महीने में क्लच आया है, और फिंचेस का मेरे पास 1 से 1.5 महीने में क्लच आया है, वो बैठे हैं 6, और अभी इंशाल्लाह पीछे एक तादाद लंबी लगी हुई है, जो कि जब आएगा तो ये आपको पिंजरा भरा हुआ दिखेगा। अगर अभी मैं आपको बताऊं गाइड वगैरह अगर आप चाहते हैं दूँ तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन जो सवालात थे आपके, कोशिश की मैंने कवर कर दूं। और एक भाई का सवाल था, भाई पेड़ नहीं लग रहा, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है भाई, 1 हफ़्ता नर और मादी को बिल्कुल अलग कर दो, फिर मिलाओ पेड़ लग जाएगा। माशाल्लाह एक्टिव परिंदे हैं, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में। चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपका दिल करे, एंड देखते रहें 25 मिनट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।